अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा मूड हुआ कि बाहर चलते हैं। काफ़ी दिन से बाहर नहीं निकले थे, तो बाहर निकलते साथ देखा मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। धूप भी निकली हुई थी और हवा में एक हल्की सी ठंड भी थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक पिज्ज़ा का स्लाइस खाएं वो बर्न ऑफ करने में कितना आपको टाइम लगेगा? मेरे जैसा बंदा एक वक्त में एक स्लाइस तो खाता नहीं है। अभी रिसेंटली आई हैड टू फुल लार्ज पिज्ज़ास इन अ मैटर ऑफ 3 आवर्स। That was almost 5,000 calories. तो चेक ये करना है कि क्या मैं एक दिन में इन दोनों पिज्जाज को बर्न ऑफ कर सकता हूँ। सो हेयर्स हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। आई बी फास्टिंग फॉर 24 आवर्स, विच मीन्स कि मैं 24 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी पिया जा सकता है, ब्लैक कॉफ़ी, और साथ में अगर ग्रीन टी लेनी हो। इन एडिशन टू दैट मैं एक्सरसाइज करूँगा इतनी कि मैं काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। फोर वी स्टार्ट, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई भी प्लान स्टार्ट करने से पहले या ऐसा कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज और डाइट रिजीम स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से पूछ लें या फिर यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। एवरीवन हु थिंक्स कि 24 घंटे के लिए कुछ ना खाना इज अ बैड थिंग, आई लाइक टू टेल यू दैट दैट्स नॉट रियली द केस। फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर एक कंट्रोल्ड तरीके से की जाए। सबसे पहले तो कैलकुलेशंस करनी थी, सो आई वेंट टू गूगल एंड सर्च फॉर अ BMR कैलकुलेटर। अपनी एज, हाइट, जेंडर और वेट डालने के बाद मुझे एक एस्टिमेट सा मिल गया कि व्हाट इज़ माय BMR, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1800 कैलोरीज पर डे। दिस मींस कि अगर मैं बुध की तरह बस लेटा रहूं एक पूरा दिन तो 1800 कैलोरीज यूज होंगी। सो मैंने 1800 कैलोरीज BMR से बर्न करनी थी एंड 3186 एक्सरसाइज के थ्रू टू गेट टू द टारगेट ऑफ 5000। एंड क्योंकि एस्टिमेटेड कैलोरी बर्न पर एक्सरसाइज सेशन वुड बी 400, मुझे ऑलमोस्ट 8 एक्सरसाइज सेशंस करने होंगे इन वन डे। ओके, ये अभी 12:05 हैं। सो माय चैलेंज इज ऑलरेडी स्टार्टेड। मैं एक्चुअली घड़ी नहीं पहनता, आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अनम्स एक्टिव फिट वॉच। आप प्लीज़ मुलाहिजा फरमाइए मेरी पिंक शर्ट के साथ ये स्ट्रैप कितना अच्छा लगता है। और इसको मैं यूज़ करूँगा। सो अभी 218 हो रहे हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द फर्स्ट वर्कआउट। पहला वर्कआउट वॉज जस्ट अ लोड ऑफ बर्पीज एंड दीज आर किलर्स। अगर आपने फैट बर्न करना है इससे बेहतर एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगी। बर्पीज करने के बाद यूजली यही फील होता है कि थोड़ी देर तक कुछ भी ना करें, बस ज़मीन पर लेट जाएँ। एट द मोमेंट मैं जो कर रहा हूँ वो ये कि जैसे ही मेरा हार्ट रेट नॉर्मलाइज होता है आफ्टर अ स्पेसिफिक वर्कआउट, फिर मैं दोबारा एक सेशन कर लेता हूँ, तो दोबारा हार्ट रेट मेरा एलिवेट होता है एंड देयरफॉर यू बर्न मोर कैलोरीज। पहले सेशन में तो सिर्फ बॉडी वेट यूज़ किया था, सेकेंड सेशन में मैंने ज़रा अपने वेट्स भी यूज़ कर लिए थे। सो राइट आफ्टर वर्कआउट दिस इज़ माई हार्ट रेट। इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। आप सिर्फ हाई इंटेंसिटी नहीं कर सकते और आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग स्टेडी स्टेट कार्डियो भी नहीं कर सकते। सो मैं 2 हाई इंटेंसिटी सेशंस कर चुका हूँ और अब आई एम जस्ट वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स। जितनी देर तक कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन ये उतनी हाई इंटेंसिटी नहीं है। एक और चीज़, क्योंकि आई एम स्वेटिंग अलॉट, पानी और उसके अंदर ज़रा सा नमक डाल लिया जाए तो ठीक रहेगा। एंड क्योंकि आई एम फास्टिंग मैं उसमें चीनी नहीं डाल सकता, वरना प्रॉब्लम है ज़रा सी चीनी भी डाल लेता। एक सेशन 100 पुशअप्स का भी कर लिया था विद सम ब्रेक्स। अच्छा जी, सो इट्स बीन अबाउट 5 आवर्स सिंस आई स्टार्टेड दिस चैलेंज। I've burned around 1,000 calories. The way I did this was instead of doing long steady state cardio, मैंने तकरीबन 4 sessions किए हैं of very high intensity workouts. Workouts themselves के अंदर probably मैंने 200-300 maximum 400 calories burn की होगी, लेकिन होता यह है कि इस तरह की exercises के बाद आपका metabolic rate है वो elevate हो जाता है और आप ज़्यादा calories burn करते रहते हैं अपने आप को recover करने के लिए। 400 calories बर्न हुई एक्सरसाइज की वजह से, तो उसके बाद 600 कैलोरीज बर्न हुई है इन 5 आवर्स बिकॉज ऑफ दिस आफ्टर बर्न। दूसरी चीज़ है मेरा
BMR, जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो सिर्फ चाहिए मुझे ज़िंदा रखने के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ एक्टिविटी, तो तकरीबन वो भी कुछ 100 कैलोरीज हो गया होगा, वो मैंने चेक नहीं किया। तो ये दोनों मिल के एक काफ़ी अच्छा चंक ऑफ कैलोरीज बर्न बन जाता है, एंड क्योंकि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ फॉर द एंटायर डे फॉर 24 आवर्स, ये रिप्लेनिश नहीं हो रहे। अब आगे का प्लान ये है, मेरा ख्याल है सोने से पहले मैं 2 और वर्कआउट्स करूँगा, इसी तरह के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स। कल व्हेन आई वेक अप तो मैं 2 और करूँगा। अब सोते वक्त मेरा BMR भी कम हो जाएगा, मेरा हार्ट रेट कम हो जाएगा, मैं कम कैलोरीज बर्न करूँगा, तो आई विल मेक श्योर जितनी देर मैं उठा हुआ हूँ वो मैं अच्छी तरह एफिशिएंटली यूज़ करूँ। 12:00 midnight। अच्छा जी, रात के 12 बज रहे हैं। अब सर में काफ़ी दर्द हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है कुछ खाया नहीं हुआ और बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस की हैं, तो इधर कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। तो इधर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली टोटल कैलोरीज बर्नड आर अराउंड 3,300, और ड्यूरिंग एक्टिविटी विच इज़ एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज के बाद जो आपका हार्ट रेट एलिवेटेड रहता है उसकी वजह से 2,300 कैलोरीज ऑलमोस्ट बर्न हुई है। अब इस रेट के हिसाब से 5,000 करना कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, तो लेकिन रात के वक्त ऑब्वियसली स्लो डाउन हो जाएगा। फिर रात जब सुबह उठूँगा आई विल हैव जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट माय वर्कआउट्स इन, तो अब कल सुबह ही देखते हैं क्या होता है इसका। जी एक्सरसाइज के बाद ये हालत ही होती है, थैंक गॉड ये आखिरी वाली थी। अच्छा जी, चैलेंज कंप्लीट हो गया है, 24 घंटे पूरे हो गए हैं, उतने के बाद मैंने 2 एक्सरसाइज सेशंस किए हैं। यार ये हमारे हमसायों ने कोई मुर्गे रखे हुए हैं और उनकी अलार्म क्लॉक ख़राब है, दोपहर के 12 बजे वो लोग अजाने दे रहे हैं। उन्होंने कॉम्पिटिशन रखा हुआ, एक साइड से एक बोलते हैं, दूसरी साइड से दूसरा बोलता है, अभी दूसरा बोलेगा ये देख। चैलेंज था कि 5,000 कैलोरीज बर्न करनी है इन 24 आवर्स, एंड आई मैनेज टू बर्न 5,232 कैलोरीज। पर्सनली दिस वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि एक बिगिनर ये काम करे, आपको ज़रा सा टाइम हो गया हो एक्सरसाइज करते हुए तो फिर यू कैन ट्राई दिस आउट। सोच रहा था क्योंकि ये चैलेंज तो कर लिया, Why not try another challenge? So hopefully very soon I'll try a 10,000 calorie burning challenge. Pata nahi kab, but I will definitely try that. So wait for that as well. Agar aapko video achhi lagi ho to like kariyega, agar aapko koi questions ho to comment kare, aur please channel ko subscribe kare. Like, comment, subscribe and hit the bell right there.